हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड कोकोनट ऑयल की रेसिपी। ये देखिए, हमारा कोकोनट ऑयल घर पे बनके रेडी है। बहुत ही सिंपल वे है, आप इसे बनाइए एंड प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए कि आपका कैसा बना। इफ़ यू लाइक मई वीडियोज एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं कोकोनट ऑयल बनाना। गोले का तेल बनाने के लिए मैंने इस तरीके से, देखिए, नारियल लिया है ये वाला। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है और मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाला है। अब मैं इसको चर्न करूंगी और हम इसको फाइन पाउडर बनाएंगे। ऐसा ग्राइंड करने के बाद इसका देखिए इस तरीके से हो जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से इसको एक फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए, आपको जैसे जैसे नीड होती जाए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसकी एकदम पतला पेस्ट बनाना है, फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए, हमें इस तरीके से इसको ऐसे इसको बनाना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैं एक कांच का बाउल लूंगी जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे कि हमें जो इसका ऑयल ऊपर आएगा और पानी नीचे जाएगा। अब हम इसे छानेंगे एक छन्नी की हेल्प से। ये देखिए इस तरीके से, और इसका नीचे इसका सारा मिल्क हम नीचे इसको प्रेस कर करके निकाल लेंगे ऐसे। ये जो हमारा छानन ऊपर बचेगा, ये जो कोकोनट हमारा ऊपर बचेगा, इसको मैं अगेन मिक्सर ग्राइंडर में डालूंगी, अगेन थोड़ा सा पानी डालूंगी एंड अगेन इसका इस तरीके से मिल्क निकालूंगी। 2 से 3 बार हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी में मिल्क रेडी हो जाएगा। एक बार मैंने आपको बता दिया, अब मैं 3 से 4 बार, ये देखिए, मैं इसको दबा दबा के इस तरीके से सारा ऑयल इसका इसका जो मिल्क है, कोकोनट का मिल्क है, ये मैं निकालूंगी इस तरीके से। अब मैं इस बचे हुए कोकोनट को अगेन मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, अगेन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, देन अगेन मैं इसको ग्राइंड करूंगी और ऐसा मैं 3 से 4 बार करूंगी। इससे क्या होगा, हमारे कोकोनट में जितना भी मिल्क है हमें सारा मिल जाएगा। अगेन मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, देन अगेन इसे ग्राइंड करेंगे। 3 से 4 बार करने के बाद ये देखिए हमारे पास इतना कोकोनट का मिल्क रेडी हो गया। मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये हमारा इतना रेडी हो गया। अब इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए ढककर इसी कंडीशन में छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और इसका पानी नीचे रह जाएगा। अब मैं इसको 8 से 10 घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। 8 से 10 घंटे रखने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इस ऑयल को देखिए, ये पानी अलग लग रहा है, ये पानी अलग लग रहा है, ये ऑयल अलग है। मैं इसे एक दूसरे छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं चम्मच की सहायता से ऊपर ऊपर का ऑयल लेकर इसे एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए पानी अलग लग रहा है और ऑयल अलग हो गया है, ऊपर की क्रीम अलग हो गई है, बट अभी ऑयल निकलना बाकी है। ये देखिए इसे हम अलग कर लेंगे। बचे हुए पानी को हम फेंक देंगे। मैं इसका सारा निकाल कर आपको दिखाती हूँ। मैं इस कटोरी में देखिए यहाँ ऊपर का इकट्ठा कर रही हूँ। ये मैंने एक बाउल में ये कोकोनट की क्रीम इकट्ठी कर ली थी। अब हम इसे एक पैन में चढ़ाएंगे इस तरीके से। जिस तरीके से आप क्रीम से देसी घी निकालते हैं सेम वही प्रोसेस रहेगा। अब मैंने पैन लिया, उसको गैस पे चढ़ाया और ये क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी। अब हम इसका, जिस तरीके से हम घी निकालते हैं इसी तरीके से हम इसका कोकोनट ऑयल निकालेंगे। इसे हम सिम गैस पे छोड़ देंगे ऑयल निकालने के लिए। ये देखिए जिस तरीके से क्रीम से घी निकलता है उसी तरीके से इस क्रीम से ऑयल निकलेगा। अब हम इसे पकाते हैं और ऑयल निकालते हैं। देखिए थोड़ी ही देर में इस तरीके से, ये देखिए ये ऑयल है ये, और ये इसका छानन है। ये हम अलग कर देंगे और हमारा इसको मैं छान लूँगी और ये हमारा प्योर होममेड कोकोनट ऑयल रेडी। मैं अभी इसको छान कर आपको बताती हूँ।